अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा कोतवाली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह के दो नौजवान लड़कों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि राहगीरों को अपने जाना मना कर देंगे मोबाइल लूट लिया करते थे। पुलिस को इनके गिरफ्तारी के बाद आईफोन और स्मार्टफोन सहित 20 मोबाइल बरामद की है, जो बठिंडा में लड़कियों को अपना निशाना बनाकर उनसे मोबाइल फोन छीना करते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों सिग्नेचर बठिंडा के भूचो मंदिर के रहने वाले है, जिनकी उम्र 23 से 25 साल है, जो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोबाइल फोनों की लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों रमनदीप सिंह और सनी भैरव के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि पुलिस रिमांड के जरिए कुछ और खुलासे हो सके। कोतवाली बठिंडा पुलिस ने एक 2 मेंबरी ग्रोह जिला मोबाइल स्नैचिंग वाला अरेस्ट किया जी। इन्होंने नाम है सनी भैरव ते रमनदीप सिंह, ते पुच्चो दे रहने वाले जी दोनों। ये आपके मोटरसाइकिल तो कितने एक टाइम वो यूज़ करते, एक टाइम वो यूज़ करते। इन्हों का जॉइंट पेयर है जी, इतों लड़किया तो ऑफ आवर के मोबाइल जो स्नैच करते, 20 मोबाइल जोड़े है ये आईफोन तो कीपैड वाले जोड़े है वो रिकवर किए। इन एक जो सनी भैरों है जरा वजदा ये उत्ते 389B का स्नैचिंग का पहला रामा मंडी थाने परचा दर्ज है, इन्हों अरैसट कर लिया तो हूँ ये पुलिस रिमांड पर है। इन्हों की फरदर जी है पुछगिछ करा। इन्हों की उम्र हैगी 20 से 24 के विचाले हैगी है, ये पुचो के रहने वाले ने। तो यह स्नैचिंग जोड़ा है इन्हों का प्रोफेसनल स्नैचर ने जी। नहीं स्टूडेंट नशे बारे जरा है डोप टेस्ट करवा लेने जी, अजय वैसे ऐसी कोई गल नहीं है जी। सारे बठिंडा के बठिंडा सिटी के जिस वे गायब गाहे इन्ह का लगता सीगा दा उस वे स्नैच करते हैं कली कली लगे जो है सारे इन्होंने रखे हुए थे। एक्चुअली हम इन्हों तुम पता ही है जिन्हें जिन्हें भी मोबाइल शॉप्स है इन्होंने भी असं अवेयर किया कि कोई आए वेचण वास्ते तो यदि आइडेंटिटी जरूर लेनी है, इस करके अगर सेल नहीं हो और इन्हों तो रिकवर हो। ये कोतवाली पुलिस ने मुखबरी के तौर पर इन्हों फड़िया और एफ आई आर नंबर 200 जी है 9/10 दर्ज की। 9 मोटरसाइकिल बारे जो वेरीफिकेशन करनी है मे भी हो सकता है। कैमरामैन कुलविंदर सिंह के शतानील कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।